तो नहीं आ गया। आप लोगों से कहना चाहता हूं, ये लवजात, कोई भी लवजात हो इसको खत्म करो। अपनी बेटी को सबकी जिम्मेदारी होती है, रख रखाव रखो, अच्छा पढ़ाओ लिखाओ, अच्छा भोजन कराओ, अच्छा पहनाओ। लेकिन हमारे बड़े बुजुर्ग लोग पहले ध्यान देते थे, हमारी माताएं ध्यान देती थी बेटियों पर और बेटों पर ध्यान देते थे पिताजी, तब हमारे भारत में ऐसी कभी घटना नहीं सुनते थे, अब जगह जगह सुनते हैं। इसके पीछे का कारण है कि असावधानी घटी, दुर्घटना घटी। अरे मित्र के रूप में बच्चों को स्वीकार करो, लेकिन मित्र को मित्र जैसा भी तो रखो। क्या हमारा मित्र कहीं गलत रास्ते में तो नहीं जा रहा? अब कहते हैं कि बेटा तुम्हारा कुछ हो तो बता देना, मैं करवा दूंगा। अब बच्चे की इच्छा ही नहीं थी और तुमने पहले उसको आदेश कर दिया, बच्चा भटक गया। अब कह रहे हैं बेटा आपने कुल में नहीं गए। अरे बोले मां तुमने कही थी कि कुछ हो जाए तो बता देना, हो गया तुमने बता दिया। इसमें गलती हमारी आप सबकी है, ध्यान रखो। ये बच्चों से मत कहो कि कुछ हो जाए तो मुझे बता देना, मैं करवा दूंगा। और करवाने के चक्कर में फिर रोते हैं आंसू। हमारे पास कितने लोग आए यहां पर, कहो कि मोड़ी चली गई, कहो कि मोड़ा चला गया, किसी का पत्नी भाग गया, कई लोगों की पत्नियां चली गई। ये विडंबना है हमारी असावधानी का। हमने जब से अपने बड़े बुजुर्ग का सम्मान करना छोड़ दिया, हमने जब से अपने माता पिता का सम्मान करना छोड़ दिया, हमने अपने ताऊ भैया का, बड़े बुजुर्ग भाई का सम्मान करना छोड़ दिया, हमने पड़ोस मोहल्ले में अपने की आदत करना छोड़ दिया, तब से हमारी सबकी विडंबना होने लगी। क्योंकि अब कोई कहना नहीं चाहता, अरे बिनको मैं डरे को पीछे पड़े, अगर लड़बे आ जाए तब मरण दो। ये नहीं था पहले, लड़ाई पक्की थी। लेकिन हमारा अड़ोस पड़ोस का बच्चा भटकता था तो ताप दिया जाता, बेटा कैसे तुम्हारे दो गाल में थप्पड़ दे दो भूत बन जाओगे। तो गुस्सा में बच्चा जाता था, पापा से कहता था वो तुम्हारा दुश्मन ऐसे कहता था, वो कहते सर चल तुम पढ़ाई लिखाई करो, अच्छे काम करो, सही था आपको। वो जवाब नहीं देते थे, दोस्ती पक्की थी, दुश्मनी भी पक्की थी। यदि पड़ोस का भाई कोई छोटे भाई को समझा रहा है, बेटी को समझा रहा है, तो कोई लड़ने नहीं जाता था, कोई मास्टर से लड़ता नहीं था। आज हमारे मास्टर लोग भी पढ़ाने में सकते हैं, क्योंकि ज्यादा डांट दिया तो ये बच्चे के घर के परिजन लोग जाके केस कर देंगे। इसलिए भैया ये असावधानियां घटती जा रही हैं, जिससे दुर्घटना घटती जा रही है। हमारा आपसे करबद्ध प्रार्थना है, हमारी माता बहनों की इज्जत है, हम भी आपके ही गर्भ से, आपके ही कुख से, आपकी ही गोदी से, आपकी ममता से, आपकी बहन से, आपकी ही बेटी से, हम भी आपके ही बीच की ही संतान है। वो किसी ना किसी की बहन है, किसी ना किसी की माँ है, किसी ना किसी की चाची है, बुआ है, उनके बीच में मेरा जन्म हुआ है और वो आप सब लोगों के बीच के हैं। तो आप लोग ऐसा मत करो कहीं मुझे नीचे दिखना पड़े। मैं आप लोगों को यही इशारा करूंगा बार बार, यदि गलती हुई है तो प्राचित भी होता है। अरे कई लोगों ने तो हमारे आप पूर्व में शास्त्र पुराण भी कहते हैं, अरे झूठा भी आरोप लग गया तो वो सतर्क हो जाता था कि आप ये अच्छा रहा, भगवान की कोई प्रेरणा होगी इसलिए मेरे आरोप लग गया, इससे तो हम बची जाएंगे क्योंकि हमने गलती की नहीं, ईश्वर सहायता करेंगे, सत्य की जीत होगी। लेकिन बेटा आगे मत, गलत काम पे मत करना, इसका ऐसा नतीजा होता है, जेल जाना पड़ता, मरना पड़ता, फांसी लगनी पड़ती है और समाज त्याग देता है। इसलिए सावधान होने के लिए भगवान प्रेरणा दे देते हैं तो उससे बचना चाहिए। अपने आप को ज्ञान का मार्ग मानते हुए, उसको गुरु के रूप में स्वीकार करते हुए सदमार्ग को स्वीकार कर लीजिए तो आपके जीवन में कभी भी कोई घटना नहीं घटेगी। हमारे यहां कई लोग आते, अगले दरबार में कुछ भाई आए, जब मैं खोलता हूं ना तो दो भाई भी पांच दिन के लिए 23, 24, 25, 26, 27, 28 अभी छह दिन के लिए मैं छत्तीसगढ़ के प्रवास पर था। छत्तीसगढ़ में रमन सरकार में मुझे, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुझे छत्तीसगढ़ में त्रिकालमूर्ति सम्राट की उपाधि डॉक्टर महामहिम शेखर दत्त वहां के गवर्नर के द्वारा मुझे त्रिकालदर्शी सम्राट की उपाधि प्राप्त हुई थी। भरे मंच पर प्रमाण पत्र दिया गया और हजारों साधु संतों ने उस पर आशीर्वचन देकर के साधुवाद दिया। और साथ ही अभी बेंगलोर बीआरकेएल यूनिवर्सिटी से मानक उपाधि डॉक्टर की भी प्राप्त हुई। आप लोगों ने फेसबुक पे देखा हो, यूट्यूब देखा हो, तो ये सब हनुमान जी का आशीर्वाद है। तो हम आपको ये बता देते हैं। और अभी भी मैं छत्तीसगढ़ के प्रवास पर था तो वहां की भारतीय जनता पार्टी के, चाहे तो पूर्व सीएम हो हमारे डॉक्टर सीतारमन सिंह जी या वर्तमान के भैया श्री भूपेश भाई बघेल जी, दोनों के सरकार में पंडोकर सरकार की धूम मची करके दोनों पार्टी के मुखिया जन पंडोकर सरकार का सम्मान करते हैं। अभी छत्तीसगढ़ प्रवास पर शासकीय हेलीकॉप्टर के माध्यम से पंडोकर सरकार के दरबार के माध्यम से भूमि पूजन, क्षेत्र के दौरे, और वहां पे भी यही कि सत्य सनातन धर्म की ध्वजा कैसे लहराए,
भारतीय संस्कृति क्या चीज है। और वहां जैसी सरकार मैंने आज तक नहीं देखी, वहां कांग्रेस और भाजपा के दोनों लोग भी धार्मिक काम करते हैं, छत्तीसगढ़ में एक साथ हाथ में हाथ मिलाकर चलते हैं, हमारे यहां तो आग लग जाए। लेकिन वहां की सरकार, भाजपा की सरकार में जितना हमारा सम्मान था उनसे बढ़ चढ़ करके हमारे रमन सिंह जी, अभी हमारे भैया भूपेश बघेल जी ने हेलीकॉप्टर की व्यवस्था कर दी, वहां के विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज मंडावी जी ने अपने विधानसभा क्षेत्र में लोगों को आशीर्वाद दिला करके वनवासी जनों को मार्गदर्शन देने का कार्य कराया। और उन्हें कहा कि मैं राजनीति नहीं कर रहा हूं, राजनीति से मेरा कोई लेना देना नहीं है, हमारे गुरु जी भगवान आए हुए हैं, बस हमारे छत्तीसगढ़ का कैसे भला होगा, हमारे वनवासियों का कैसे भला होगा, हमारे क्षेत्र की जनता का कैसे भला होगा। बस उन्होंने जगह जगह पंडों का सका के दरबार को नहीं, हनुमान जी की गद्दी लगा करके तिलक करके और प्रेरणा देने का काम कराया। उन्होंने किसी प्रकार का राजनीतिक कोई भाषण नहीं दिया और हमसे भी कह दिया कि गुरु जी आप मेरे गुरु हैं, हमें जब राजनीति करनी होगी तब मंच गाड़ के करेंगे, अभी आप हमारे भगवान हैं, बस यहां तो सभी लोगों को, सभी दलों के लोगों को आशीर्वाद प्राप्त हो, सबका कल्याण हो, हमारे विधानसभा क्षेत्र का भला हो और छत्तीसगढ़ के लोगों को प्रकाश प्राप्त हो और वनवासी लोगों को जियो और जीने दो का आशीर्वाद प्राप्त हो, उनको सत्य ज्ञान प्राप्त हो, जो उनको पढ़ाई लिखाई में गति अवरोध आ रहा है, जिनके आने जाने के मार्गों में गति अवरोध आ रहा है, जिनको खाने पीने में गति अवरोध आ रहा है, जहां विवाद की स्थितियां बन रही है, इनको ऐसी प्रेरणा दो कि हमारे लोगों में सद्भावना का भाव आए और सभी लोग एक साथ बैठे और उनको खाने पीने की व्यवस्था हो, उनको अच्छे पढ़ने लिखने की व्यवस्था हो, कपड़ों की व्यवस्था हो, आने जाने के लिए मार्ग हो। ऐसे मनोज मंडावी जी ने इस धारणा से वहां पर कार्यक्रम कराए, मैं वहां गया और वहां पर भाजपा और कांग्रेस के और अन्य दल के लोग हमारे साथ लेकर के उन्होंने फोटो खिंचवाई, आशीर्वाद लिया, अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में ले गए और सबने बहुत ही अच्छी तरीके से पंडों का सका दरबार का सम्मान किया। मैं आपको यह बता देता हूं, रमन सरकार की सरकार में भी छत्तीसगढ़ में राजिम कुंभ होता है जिसमें लाखों साधु संत आते हैं, उसमें भी पंडोगर सरकार का कैंप लगता है, उसमें सभी दल के लोग एक साथ हाथ पकड़ के आते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। इसलिए छत्तीसगढ़ के लोगों को मैं दिल से साधु आशीर्वाद देता हूं कि राजनीति अपनी जगह पर है लेकिन गुरुओं का संतों का सम्मान एक साथ करना चाहिए, यही सनातन धर्म की पहचान है। तो मैं आपको यह भी बता रहा हूं, हमारे बीच में बहुत सारे कार्यक्रम वहां होते रहे, मैं गुजरात भी जाता हूं, महाराष्ट्र भी जाता हूं, राजस्थान भी जाता हूं और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में जाता हूं। ऐसा कौन सी जगह है भारतवर्ष की भूमि पर जहां पंडों का सका के दरबार की पहचान ना पड़ी हो। हर तहसील, हर जिले, हर प्रदेश के जगह जगह से लोग पंडों का धाम में लोग आते हैं। यह कोई रामलीला मंचन का या किसी अन्य नाटक मंचन का या ये कोई मेला नहीं है, ये भक्तों का मेला है जहां आप देख रहे हैं पंडोगर धाम में। आज पंडोगर धाम में जगह नहीं है लात रखने के लिए, रुकने के लिए जगह नहीं है, कमरे कम पड़ रहे हैं, घर में कमरे कम पड़ रहे हैं, जगह कम पड़ रही है। आज की तारीख में 15,000 से ज्यादा वेटिंग में लोग खड़े हैं, 15,000 से ज्यादा वेटिंग है और यही कहा जा रहा है आपकी जितनी पर्ची कट रही है कि भैया नंबर अगले महीने आएगा, ध्यान रखना। ऐसे ही बोला गया कि नहीं बोला गया? आवाज मत करिए मैया, शांति बैठ जाओ। आप लोगों से यही कहा गया ना कि नंबर अगले महीने तक आएगा, कहा गया कि नहीं कहा गया, बोलो हाथ उठा के। कहा गया ना कि एक महीने में नंबर आएगा, क्योंकि अपन डोगर धाम में 365 दिन के लिए निरंतर यह दरबार खुल गया है। यदि 2-4 दिन के लिए कहीं जाना पड़ा, क्योंकि बाबा तो है नहीं, क्या हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई परिवार नहीं, हमें साधना ही के लिए करना हो, साधना तो मैं करता ही हूं, लेकिन साधु संतों के भी परिवार पूरा बुजुर्ग भविष्य है जिनके सहयोग से मुझे यह ज्ञान प्राप्त हुआ है। हमारे भी आप लोग परिवार परिजन के लोग हैं, क्योंकि हम भी ग्रस्त हैं, हमारे आपके संबंध हैं, शिष्य हैं, आप लोग गुरु मानते हैं, अपना मित्र मानते हैं, अपना भाई मानते हैं, तो हर व्यक्ति चाहता है गुरु जी हमारे यहां एक बार तो आई जाए। तो कभी कभी मन होता है घूमने का तो मैं चल देता हूं, तो 2-4-5 दिन के लिए यदि नहीं है तो बढ़िया माता अन्नपूर्णा का प्रसाद चल रहा है, आराम से प्रसादी पाओ, प्रसादी बनाओ और लोगों को भी भोजन प्रसादी खिलाओ। ये पंडोगर धाम में अन्नपूर्णा भंडार सुबह 10 बजे से और रात्रि के 12 बजे तक चल रहा है, प्रतिदिन 10,000 15,000 25,000 लोग भोजन कर रहे हैं, सुबह दाल भात, शाम को पूरी सब्जी,